आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण। और अगर हमारा चरित्र बनेगा तो फिर समाज का भी बनेगा। और इस सब के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति समाज को छोड़कर जाए, समाज में रहकर व्यक्ति समाज को बनाए, समाज की सेवा करे। वो स्वयं में एक पुण्य का काम है, आध्यात्म का काम है। आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूं कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना, सही बात है, अभी कहा गया और हमारे सबके सामने है। समाज में आज कितनी बातें हो रही हैं, निराशा आ जाती है, लेकिन आचार्य जी ने हमसे कहा कि निराश होने की का अधिकार नहीं है। निराश क्यों होते हो? निराश होते हो तो तुम में स्वयं में कहीं कमी, इसलिए निराशा तो आना नहीं चाहिए। निराशा आई तो आदमी गिरा। और वो निराशा केवल कहने से नहीं, एक ऐसा समाज, एक ऐसा बनाया जाए जिसमें निराशा को स्थान ना हो। वो काम गायत्री परिवार को उन्होंने सौंपा है, उस सबको। और वो काम है युग निर्माण का, नए युग को लाने का। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये बात तो पुराने समय से कही जाती रही, अभी वैदिक संस्कृति की बात थी। ये बात ही भगवान महावीर ने भी कही, उन्होंने कहा रुहसिगप्पिदानम जुब्बपान लावण्य कांति कलिदानम शील गुण वज्जिदानम निरथ्यम मानुसमजम। जो व्यक्ति यौवन लावण्य और क्रांति से सुशोभित होते हुए रूप और धन से गर्वित है, लेकिन शील गुण और सदाचरण से रहित है, उसका जन्म ही निरर्थक है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आचार्य श्री ने हमको हमारे देश की जो संस्कृति है, जो देश की मूल चिंतन है, उससे जोड़ा। हमारे संतों ने भी कहा, संत रविदास ने कहा सत्य संतोष अरु सदाचार जीवन को आधार, रविदास भय नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। आचार्य जी ने हमको कहा कि हम विकारों से हटे और सत्य संतोष और सदाचार की ओर जाएं। उनके लेखन में जिसको कहते हैं विद्वत्ता झाड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जनसाधारण के मानस तक, उसके चिंतन तक उतरकर उसके चिंतन को बदलने का एक ऐसा प्रयास किया जो जन जन तक पहुंच सके, जन जन तक उतर सके। और अभी बड़ा अच्छा कहा कि जो उन्होंने कहा उसको आपको सब जगह ले जाना, वृक्ष की उपमा दी गई। वही बात दूसरे शब्दों में, हमारे यहाँ वट वृक्ष है, उसके लिए प्रयाग विश्वविद्यालय का जो लैटिन में मोटो है, जिसका अर्थ ये है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। क्योंकि वट वृक्ष का जो शाखा है
वो स्वयं वृक्ष में परिणत हो जाती है। तो अगर हम जितने हैं वो सब के सब उसी प्रकार से उठ सकें तो कितना काम हो जाए। आचार्य जी ने कहा सब चीजें ले ली, देखिए ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना, तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भूत होती रहने वाली आराधना, यही है वत्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। तीनों बातें आ गई।